ऑडिशन कैसे देना है, बाकी चीजें कैसी करनी है वो नहीं पता था। जब मैं आई थी तो मेरा भी कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं था काइंड ऑफ, जो मुझे बुलाए और बोले आ जाओ मेरे साथ काम कर ले, तो वैसा कुछ था नहीं। नेम, एक फेम और एक जो मजा आता है ना कैरेक्टर को प्ले करके, वो मुझे पंचायत ने दिया है। तो जब कोई सीन होता था ना, खुद भी सर को हंसी आ जाती थी, वो भी हंसने लगते थे। सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, राइट? ये मुझे 2016 में मिला था, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड जो एनएसएस अवार्ड होता है। कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर पंचायत 3 हाल ही में रिलीज हुई है और रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। आपको बता दें कि पंचायत 3 इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सीरीज बन चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंचायत 3 में जगमोहन की पत्नी का रोल प्ले करने वाली और सीधी सारी दिखने वाली कल्याणी खत्री। आपको बहुत बहुत स्वागत है अमेश्वर। थैंक यू सो मच। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द पंचायत 3 सक्सेस। थैंक यू कल्याणी। क्या आप जानती हैं कि इस वक्त आप एक हेडलाइन बन चुकी हैं? जी मतलब खुशी हो रही है। पंचायत 3 में सीधी सादगी सादगी वाले रूप में कल्याणी और रियल लाइफ में कल्याणी एकदम ग्लैमरस ब्यूटीफुल, और तो मतलब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कल्याणी है कौन, अपने बारे में कुछ बताएं। बेसिकली सीरियसली फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत का जो अपना सीजन 3 सेकंड थर्ड एपिसोड जिन्होंने भी देखा, जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है, मुझसे बहुत डिफरेंट है। बिकॉज वो बिल्कुल सीधी सादी गांव की साड़ी पहनने वाली महिला जो एक होती है, टिपिकल गांव वाली जो लेडी होती है, वैसा हो मैंने रोल प्ले किया है। बट रियल लाइफ में मैं थोड़ी अलग हूँ, इनफैक्ट बहुत अलग हूँ। और बेसिकली मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप साहिबगंज झारखंड का रहा है। मेरा कंप्लीट मेरी स्टडी जो भी हुई है मैंने झारखंड से किया है, एंड उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई 2019 में एमए खत्म करने के बाद, एंड 19 से अभी तक मैं बॉम्बे में ही हूँ। बीच में घर आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरी जो पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं एनएसएस की वॉलंटियर रह चुकी हूं, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत जगह विजिट करती थी, अलग अलग गांव में जाके छोटे छोटे गांव को कैंप्स लेके उनके लिए काम करना, वहां पे जो बच्चे शिक्षा के लिए नहीं पढ़ नहीं रहे उनको स्कूल में नामांकन कराना। तो हम महिलाओं को देखते थे उनके बीच जब काम करते थे, तो उनका जो ऑरा होता है ना, उनका जो स्टाइल होता है, उनकी जो बोलचाल होती है, वो मैंने देखा था। तो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को कनेक्ट करने के लिए मुझे वो मिल गया। बाकी मैं पर्सनल लाइफ में कल्याणी खत्री हूँ और एक डांसर हूँ, प्लस मॉडल हूँ, एंकर भी हूँ, समटाइम मैं इवेंट्स भी होस्ट करती हूँ। ये मेरा परिचय है। दैट्स ग्रेट कल्याणी। सो झारखंड से मुंबई तक का आपका सफर कैसा रहा, और फिर उसके बाद आप पंचायत 3 के सेट पे कैसे पहुंची? बेसिकली देखिए, जैसे कि सब छोटे छोटे गांव से आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ एक्टर बनने के लिए, और बनते भी हैं इनफैक्ट, बड़े बड़े नाम है आपके सामने उदाहरण के लिए। लेकिन जब मैं आई थी तो मेरा भी कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं था काइंड ऑफ, जो मुझे बुलाए और बोले आ जाओ मेरे साथ काम कर ले, तो वैसा कुछ था नहीं। तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मैंने जो एक प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने भी थिएटर कर रखा था, मैंने 3 साल थिएटर किया है, रांची में भी किया थोड़े टाइम, जब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी मैं कोलकाता में, तो मैंने वहां भी कुछ टाइम पे थिएटर ज्वाइन किया। तो वैसे करते करते थिएटर कर रखा था, लेकिन जो एक प्रॉपर कह सकते हैं ना कि ऑडिशन कैसे देना है, बाकी चीजें कैसी करनी है, वो नहीं पता था। बट यहाँ आने के बाद भी मैंने पहले थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने ऑडिशन देना सीखा, जो एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज में जाने के लिए। मुझे लोगों ने बताया, काफी लोगों ने हेल्प भी की कि ये कास्टिंग डायरेक्टर है, इनसे जाके मिलो, इनको अपनी प्रोफाइल सेंड करो, एंड वो सब करते करते 19 से 20 बीतता रहा। लेकिन मैं बहुत लकी थी कि आते ही एक महीने के बाद ही मुझे एक शो मिल गया, टीवी शो। मतलब मैंने कंटिन्यू ऑडिशन देने शुरू किए थे और लकीली मुझे मैंने क्रैक किया एक ऑडिशन, एक शो उसी वक्त लॉन्च हुआ था लेडी स्पेशल, सोनी टीवी पे आता था, एंड देन आई गॉट कि मेरे को वो मिला, एंड उसके बाद मैंने वो पूरे 1 साल किया वो शो। बीच बीच में मैं एड वगैरह करती रहती थी, पर ऑडिशन देना चालू था कि किसी अच्छी फिल्म के लिए, कभी वेब सीरीज के लिए, और फिर एक फिल्म भी मैंने की बीच में। और अभी ये कह सकते हैं कि सब करते करते इवेंट्स वगैरह होस्ट करने लगी, सेंसर बोर्ड में भी चली गई, तो जाके मुझे अभी इतने टाइम के बाद एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रगल जिसको बोलेंगे, और सबको करना पड़ता है, आई थिंक तब जाके मुझे ये पंचायत मिली है। पर काम काफी किया इसके पहले, एड्स वेड्स भी काफी करती थी, पर जो एक नेम, एक फेम और एक जो मजा आता है ना कैरेक्टर को प्ले करके, वो मुझे पंचायत ने दिया है। ओके कल्याणी, पंचायत 3 जो है काफी ज्यादा कॉमेडी से भरपूर है ये सीरीज, सो सेट पे ऐसा कोई कॉमेडी सीन हुआ हो और कोई ऐसा मस्ती मजाक हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम सेट पे हैं
तो जो हमारे डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा जी, जो सर है हमारे डायरेक्टर सर, वो बहुत जॉली रहते हैं। मतलब आपको एक पर्सन भी फील नहीं होने देंगे कि आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हो, एक एक्टर और एक डायरेक्टर, वो खुद भी एक्टर हैं दीपक मिश्रा सर, आप उनके साथ काम कर रहे हो। तो जब कोई सीन होता था ना, खुद भी सर को हंसी आ जाती थी, वो भी हंसने लगते थे। तो अभी एक सीन था जब मैं अंदर हूँ और विशाल अंदर है और ये लॉकी ढूंढने के लिए अंदर जा रहा होता है, तो सर ने जानबूझ के लॉकी छिपा दी थी। चंदन को बोला था जो विकास है कि तुम्हें लॉकी ढूंढनी है। अब वो बेचारा सीन में भी है और उसको लॉकी भी ढूंढनी है, तो सर हंस रहे मनी मन, ढूंढो बेटा ढूंढो। तो जब तेज होके जब ढूंढ लिया ना उसने, उसके बाद हम सब हंसने लगे क्योंकि वो लॉकी मिलने ही नहीं थी, सर ने ऐसे छिपाई थी। तो बेसिकली वो सीन के साथ वो कॉमेडी भी क्रिएट करते थे। ये एक चीज हुई। दूसरा एक और चीज था कि फर्स्ट हमारा सीन था विशाल अंदर है, मैं अंदर हूँ और उनको सचिव जी को अंदर आना है, ठीक है। तो वो बीच में कट भी हुआ था फिर वो सीन। तो विशाल कहता है अरे अरे कहाँ घुस रहे हैं, अंदर जनानी है। तो वो जो जनानी वाला वर्ड जैसे उसने बोला ना, तो उसके बाद सेट पे सभी हंसने लगे। मैं वो सीक्वेंस जो था ना, वो तो मैं क्रिएट करके नहीं बता सकती यहाँ पे, लेकिन वो रियली बहुत फनी लग रहा था वहां पे, जब वो कह रहा है अरे अरे कहाँ घुस रहे हैं, अंदर जनानी है हमारी। तो वो जो जनानी वर्ड पे सब हंसने लगे थे, वो मुझे आज भी याद। वैसे छोटे छोटे फनी मोमेंट्स होते रहते थे सेट पे। एक और रोल के बारे में कुछ बताएं, आप जगमोहन की पत्नी बनी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे रोल के बारे में, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था तो मुझे पता चला था कि सारे सबकी कास्टिंग हो गई है, सिर्फ दो कैरेक्टर बची हैं, एक विधायक की बेटी और एक जगमोहन की वाइफ। तो मैंने कहा कि मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ, तो जो सहायक भुरौरिया कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि क्या आ जाइए, मेरे घर के काफी पास ही है कास्टिंग बे का ऑफिस। तो मैं गई 9 मई को, मुझे याद है आज भी डेट, पिछले साल, क्योंकि वो मेरा बर्थ डेट है तो इसलिए मुझे याद है। तो मैं उस दिन गई और मैंने ऑडिशन दिया, दोनों कैरेक्टर के लिए दिया, विधायक की लड़की और उसके लिए। फिर मुझे 4-5 दिन के बाद कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन से कैरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो, विधायक की लड़की के लिए, जगमोहन की वाइफ के लिए। फिर मैंने बहुत ही इसे पूछा कि कौन से वाले कैरेक्टर के लिए लॉक हुई, तो बोल रहे हैं जगमोहन की वाइफ के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा स्क्रीन स्पेस ज्यादा है और परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर है, तो आप अच्छा करोगी। मैंने कहा विधायक की लड़की में नहीं हुआ, एक बार को मुझे ये लगा कि यू नो वाइफ और लड़की थोड़ा सा आपको लगता है ना, गर्ल्स गर्ल्स में है कि पत्नी से ज्यादा अच्छा होता बेटी बन जाती। तो फिर मैंने बोला अच्छा जगमोहन की वाइफ, पर मैं खुश थी क्योंकि मेरा ये मानना था कि पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे कैरेक्टर में कुछ भी करने लायक होगा तो मैं अच्छा करूंगी, बस ये कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि ऑडिशन दिया था तो पता था कि ये कैरेक्टर कैसा है और ये कैरेक्टर कैसा है, काफी डिफरेंट है। फिर जब जगमोहन की वाइफ का कैरेक्टर मिल गया, तो जब परफॉर्म कर रहे थे, मतलब हमने कोई वर्कशॉप नहीं किया, हमारा कोई वर्कशॉप नहीं हुआ था, डायरेक्ट हम सेट पे गए और जब लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट पे ही उस दिन जब उन्होंने ड्रेस वगैरह पहना के मेरा लुक डिसाइड किया, तो मैं गांव में नॉर्मली घूम रही थी क्योंकि वो लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में, कभी टोकरी उठा के, कभी झाड़ू लगा के, ऐसा। तो मैं नॉर्मली गाँव में घूम रही थी, तो एक गाँव वाली महिला मुझसे बात करने लगी, उसे लगा मैं उसी गाँव की हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ था, मैं घूम रही थी और वहां पे गोबर के वो थेपले लगे थे दीवार पे, तो मुझे जो हमारी ड्रेस स्टाइलिस्ट थी उन्होंने कहा कि 2-3 थेपले उठा के ले आई, आपका ऐसे फोटो लगी दूर से तो लगेगा कि आप गांव वाली हैं। तो वो मुझे आके टोकने लगी कि अरे आप हमारा गोबर ये क्यों उठा रही हैं। तो मुझे बहुत मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा एक्टर हूँ, इतना ज्यादा वो रिलेट कर रहे थे कि यही तो इसी गाँव की लग रही है। मतलब आप उस लुक में ढल चुकी थी, जिस तरह से आपका मेकअप किया था, जो आपका आउटफिट था, आप पूरे गांव के लुक में ढल चुके। बिल्कुल बिल्कुल। कल्याणी, मैंने आपके काफी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, राइट? इसके बारे में कुछ बताएं। ये मुझे 2016 में मिला था, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड जो एनएसएस अवार्ड होता है। मैंने एक्चुअली कॉलेज में, जैसे मैंने बताया मैं वॉलेंटियर थी, तो वॉलेंटियर होने के नाते ना हम लोग अलग अलग गांव में जाके छोटे छोटे गांव को गोद लेके उनके ऊपर काम करते थे, वहाँ पे प्लांटेशन कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, वहाँ पे जितनी भी बीमारियां होती थी तो मेडिकल कैंप्स भी हम लगाते थे। तो बहुत काम किया उन चीजों को लेके, एनवायरमेंट के लिए नुक्कड़ नाटक कर दिया, कभी गंगा बचाओ अभियान पे नुक्कड़ नाटक कर दिया, तो ये करती रहती थी। तो मेरी ऑल ओवर एक्टिविटीज को देखते हुए, पहले तो मैंने आरडी कैंप भी अटेंड किया है 2014 में,
जो राजपथ पे परेड होता है आपको पता ही होगा 26 जनवरी, वो भी मैंने अटेंड किया है। और उसके बाद फिर 2015 में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था साउथ कोरिया, वो था इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और वो बहुत उसमें 208 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उस एक्सचेंज प्रोग्राम में, और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज अ डांसर, क्योंकि मैं डांसर भी हूँ, कथक सीखा है मैंने इलाहाबाद प्रयाग से। तो फिर ये सारी एक्टिविटीज को देखते हुए भारत सरकार एक लिस्ट बनाती है हर साल जो सिर्फ 20 वॉलंटियर को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। तो जब मुझे ये मिला था तो मुझे तब ने बोला था तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका एक पॉइंट इसलिए बताती हूँ क्योंकि पूरे झारखंड में किसी को नहीं मिला था, गर्ल्स में सिर्फ एक लड़के को मिला था जिनका नाम अंकित पांडे है, वो दुमका के रहने वाले हैं, सिर्फ उनको मिला था पूरे 16 साल के इतिहास में। तो मुझे लगा मुझे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ठीक है अप्लाई करना चाहिए। एंड देन जब मुझे ये नेशनल अवार्ड में मेरा नाम नॉमिनेट हुआ तो फिर मुझे सबने बधाइयां दी कि यार तुमने कर दिखाया, मिलता है। मैंने कहा ऑब्वियसली मेहनत से ही तो मिलता है। वो डे मेरा मेरे लाइफ का बेस्ट डे था, मेरी मम्मी को मैं पहली बार राष्ट्रपति भवन लेके गई थी। ओह दैट्स ग्रेट। कल्याणी जैसे कि आप एक झारखंड छोटे से शहर से आई हैं, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं जो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये फिल्म के बारे में कैसे पहुंचना है, यू नो, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे एंड स्पेशली गर्ल्स को? राइट, जैसे सच में बहुत सारी लड़कियां बॉम्बे आना चाहती हैं, बॉम्बे आती भी हैं इनफैक्ट, तो कुछ लोग आते हैं कुछ एक्टिंग में ही अपना करियर फोकस करके और इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, काफी बड़ा नाम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आते तो हैं एक्टिंग करने के लिए या इस फील्ड में डायरेक्शन में या किसी भी फील्ड में जैसे एस डी ओ पी काम करने के लिए, पर वो फिर डाइवर्ट होके कहीं और निकल जाते हैं। क्योंकि दो रीजन होते हैं, जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनको एक ही संदेश में देना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है और आप ये कर सकती हैं, तो फिर आप फिर आंख बंद करके सिर्फ कहते हैं ना घोड़े के दोनों तरफ वो लगा दी जाती है, वो एक की तरफ सीधा देखता है, तो बिल्कुल सिर्फ अपनी मंजिल के तरफ देखे और कोशिश करते रहे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है कि बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम के बाद एक नेम फेम मिल रहा है या अच्छा काम मिल रहा है मगर उन्होंने पेशेंस रखा, और जिन्होंने भी नहीं रखा वो कुछ और कर रहे, फिर वो इस फील्ड से अलग हो गए या कुछ और ट्राई कर लिया। तो उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि आप आइए और जेन्युइन तरीके से ट्राई करें, क्योंकि ये सोचेंगे कि कोई शॉर्टकट है, इस इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं, अगर कोई बोलता है तो वो गलत, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया इन 5 सालों में, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सीढ़ियां आपको धीरे धीरे ही चढ़नी पड़ेगी। जेन्युइन ऑडिशन दीजिए जितने आजकल, तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से चीजें इतनी ईजी हो गई है, यू नो, हमारे पास इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के मेल आईडीज होते हैं, नंबर्स होता है, उन्हें आप डायरेक्ट प्रोफाइल सेंड करिए, जो एक प्रोसेस है आपका इंट्रो ऑडिशन और आपकी एज हाइट प्रोफाइल भेज के, तो बहुत ही इजी हो गया। पहले तो क्या था, पोर्टफोलियो लेके अलग अलग जगह घूमना पड़ता था जब ये चीजें फोन वगैरह नहीं था, तो टफ था, अब तो काफी इजी हो गया। तो जितना हो सके आप जेन्युइन लोगों से मिलिए, और दो चीज है जैसे कि एज गर्ल मुझे, चूंकि मैंने काफी चीजें देखी थी तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये भी पता होना जरूरी है कि कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि एक लड़की के लिए मुंबई जितना सेफ है, मुझे तो बहुत सेफ लगता है, तो कुछ लोगों के लिए अनसेफ भी है, तो उन्हें ये समझने की जरूरत है कि किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है, क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, पर क्या नहीं करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबके लिए पंचायत 3 से पहले आपको इतना लोग नहीं जानते थे शायद, लेकिन पंचायत के बाद आपको इतना ज्यादा फेम मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं कि भाई आखिर कल्याणी है कौन। सो आपको कैसा लग रहा है इतना फेम और इतना प्यार दर्शकों का मिलके, कैसा लग रहा है आपको? देखिए प्यार तो किसी को भी मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है, किसी भी फील्ड में मिले, आप खुद भी इस फील्ड में, आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपकी आवाज वाकई में बहुत, मतलब अभी आपका फोन कट होने के बाद हम तारीफ कर रहे थे कि आवाज आपकी बहुत प्यारी है। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी फील्ड में आप रहे ना तो तारीफ तो सबको पसंद आती है, उसके बाद जो मुझे अभी तक मिल रहा है लोगों के लगातार जब कॉल आते हैं, इनफैक्ट मेरे ऐसे दोस्त जैसे आरडी वाले दोस्त 2014 वाले जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत टाइम कनेक्शन टूट चुका है, वो मुझे कॉल कर रहे थे उधर से नंबर निकाल के कि मैंने तुम्हें पंचायत में देखा, बहुत खुशी हो रही है, लग ही नहीं रहा है तुम वो वाली कल्याणी हो। तो सच में अंदर से वो एक अलग वाली फीलिंग आती है, मेरे दूर दूर के रिलेटिव जो जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती थी क्योंकि मैं बहुत सारा बॉम्बे में हूँ अपनी फैमिली के साथ ही,
मम्मी भी मेरी साथ रहती हैं, तो कभी कनेक्शन टूट जाता है एक्चुअली. वो लोग भी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें पंचायत में देखा, बहुत मजा आ रहा है, तुम खानदान का नाम रोशन कर रही हो, ऐसे ही करो. और एक चीज बताना चाहूंगी, यही वो लोग हैं जो एक टाइम पे जब मैं घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि मैं छोटे से जगह से हूँ, तो मेरी मम्मी को मोहल्ले वाले बोला करते थे कि अरे बेटी है ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं करेगी, पास में आपकी बदनामी होगी. और मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि पापा थे नहीं मेरे, बट मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. वो मेरे साथ बॉम्बे आई जब मैं पहली बार बॉम्बे आई, तो अब जब वो लोग फोन करते ना, मेरी मम्मी भी इतना गर्व में बात करती है, हाँ हाँ पता है मेरी बेटी कर रही है. That's fantastic. वो अलग लेवल की खुशी होती है जो पंचायत ने मुझे दिया है. थैंक्स टू टीवीएफ, थैंक्स टू दीपक मिश्रा सर, और आप लोग जो इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, सभी को थैंक यू. थैंक यू सो मच कल्याणी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. और वंस अगेन आपकी आवाज बहुत प्यारी है. Thank you so much, Kalyani.